वेलकम व्यूअर्स और मेरे साथी एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी व्यूअर्स केपी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मित्रों, आज एक क्रिकेट मैच की गेम है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अहमदाबाद में खेली जाएगी 14 अक्टूबर 2023 दोपहर के बाद 2 बजे ये क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। तो हम एक एज्यूमशन करने की ट्राई करते हैं केपी सिस्टम से कि कौन जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी। दो टीम होती है, एक बैटिंग और एक बॉलिंग जो करते हैं, तो ये दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतने वाली है ये प्रिडिक्शन करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ हॉररी चार्ट का उपयोग किया गया है। आज मतलब 14th अक्टूबर 2023 दोपहर का 2 बजे का टाइम, प्लेस है अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि आफ्टरनून 2 o'clock 0 मिनट और 35 सेकंड के बाद फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड विनस हो जाता है और इससे पहले केतु का सब लॉर्ड चलेगा। स्काई व्यू में हॉररी चार्ट की बात कर रहा हूँ, आप अपने अपने चार्ट में वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ दो स्क्रिप्ट बनाई है केतु और शुक्र की। केतु 2 बजे 0 मिनट और 35 सेकंड के पहले रहेगा फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, और उसके बाद जनरली 1-2 मिनट में पहला बॉलिंग हो जाता है। यहाँ सिस्टम ऐसी एडप्ट की है कि सबसे पहले जो टीम खेलेगी, ये जो बैटिंग वाली टीम सबसे पहला बॉल खेलता है, तो वो अवर मिनट सेकंड हमारा निर्णायक रहेगा। तो आज की मैच अगर ये समय से पहले मतलब केटू सब लॉर्ड में शुरुआत हुई, तो बैटिंग वाली जो भी टीम होगी, बिगिनर टीम जो भी होगी, वो जीत जाएगी, ऐसा एज्यूमशन है। और अगर इसके बाद मतलब वेनस कस्पल सब लॉर्ड के समय में बैटिंग हुआ सबसे पहली बॉल का, तो ये बिगिनर टीम जिसकी बात चल रही है, ये टीम आखिरी में हार जाएगी। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक वगैरह इस स्क्रिप्ट से समझ लेते हैं। देखिए, केतु की स्क्रिप्ट में जो सबसे पहले शुरुआत जो बिगिनर टीम होती है, जो शुरुआत करती है गेम की, वेरी बिगिनिंग पॉइंट, एज पर केपी बिगिनिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सब लोग जानते हैं। तो ये स्क्रिप्ट में बिगिनर टीम का 11 नंबर और सामने वाले का 11 नंबर, जो ये 5 नंबर है, ये दोनों में से 11 नंबर ज्यादा स्ट्रांग है, केतु स्क्रिप्ट की बात चल रही है। और ये रेड कलर में जो नंबर्स है, ये सामने वाली टीम का नंबर है, और ग्रीन कलर वाले नंबर बिगिनर टीम के पक्ष में जाता है। तो इसके आधार पर ये डिसीजन हम ले सकते हैं कि बिगिनर टीम अगर केतु कस्पल सब लॉर्ड है तब ये गेम स्टार्ट होती है, तो ये बिगिनर टीम जो भी होगी वो जीत जाएगी। बात करते हैं नेचुरली, अगर मान लीजिए 1-2 मिनट लेट हो गया और शुक्र का कस्पल सब लॉर्ड स्टार्ट हो गया, तो परिस्थिति ऐसी रहेगी। देखिए, बिगिनर टीम का 11 नंबर ये रहा, और सामने वाले का 11 नंबर जीतने वाला जो 5 नंबर होता है, ये दो में से बिगिनर का 11 नंबर यहां भी स्ट्रांग है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज करने वाला पॉइंट यहां है। देखिए, सैटर्न इज रिट्रोग्रेड। तो हॉररी चार्ट में गुरुजी ने बताया कि हॉररी चार्ट में अगर कोई प्लेनेट रिट्रोग्रेड प्लेनेट के सब में आ जाता है, तो पहले तो ये लगता है कि फ्रूट मिलेगा, लेकिन आखिरी में सब चौपट हो जाएगा, ये फ्रूट नहीं मिल पाएगा। तो ये केस में बिगिनर टीम आखिर में हार जाएगी, ऐसा करके हम एज्यूमशन करते हैं। तो ये अपने स्टडी के लिए है, अपने इंटरेस्ट के लिए है, और अपने मनोरंजन के लिए है। तो ये एक स्टडी हमने शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you very much.